है मादर चोद, मुझे ही गिराओगे सबसे पहले। तू कर उठा बेतने। तू हीलिंग कर बे। तो कैसी ऑक्सीजन फेम तोरा भाई, ऑक्सीजन आ चुका है कौन का लीडर बोर्ड रैंकिंग वाला कैंपले वीडियो लेकर। आपकी क्या रैंक चल रही है पहले मुझे जल्दी सी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। क्या इंटरनेट सही चल रहा है क्या? यहाँ पे टीममेट में बंदा है, उससे पहले मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ आपकी रैंक क्या चल रही है। मेरी रैंक की बात की जाए तो मेरी रैंक ऑलमोस्ट यहाँ पे लीडर बोर्ड के अंदर 30-35 के समथिंग आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर हो गया वो बात अलग है, बट आपका रैंक क्या चल रहा है वो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज आपको जो मैं टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ लास्ट जोन में, छोटे से जोन में कैसे सर्वाइव करना होता है वो बताने वाला हूँ, क्या क्या गलती नहीं करनी है वो बताने वाला हूँ। अब एक बंदे ने टीममेट को उंगली कर रखी थी। अब टीममेट की जिस तरीके से कॉल आई थी कि मतलब चीटर है, उसको लग रहा था, और यहाँ पे दिमाग में मेरे भी आ चुका था कि भाई सामने वाला चीटर भी है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोच समझ के और ध्यान से मुझे इस फाइट को निकालना था, और फाइनली इस बंदे को अपन ने फिनिश किया। आपको ये चीटर लगा नहीं लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे वैसे एक बैड न्यूज बता देता हूँ गाइस, आप सबको वैसे तो पता होगा मेरा मेन चैनल अभी यूट्यूब से डिलीट हो चुका है, जिसपे अपने 14K सब्सक्राइबर हो चुके थे और उस पर आपका काफ़ी अच्छा प्यार भी दिख रहा था, बट वो चैनल अभी अपना डिलीट हो चुका है। तो क्या कर सकते हैं, बुरा तो बहुत लगा, रोना भी एक तरह से आ ही रहा था, बट कोई नहीं, अभी आपका सपोर्ट प्लीज़ इस चैनल पर जरूर दिखाना। अब यहाँ पे ये क्या ग्लिच था भाई, इतना ऊपर कैसे? अब यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या सीन होता है। भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ तो पढ़ कहाँ से पढ़ रही है मुझे, यहाँ पे मैं नोक भी होता हूँ और देखो फिनिश भी हो जाता हूँ। सामने बिल्डिंग से मुझे पड़ती है AKM, सप्रेसर लगा के बंदा मार रहा था, जिस वजह से मुझे पता भी नहीं चलता। यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ काफी देर बाद में, जैसे ही लूट करता हूँ और कंटेनर पे आता हूँ तभी मुझे एक बग्गी का साउंड आया। टीममेट को मैंने कॉल दी कि मेरे पास एक बग्गी आ चुकी है, और यहाँ पे फुट साउंड मुझे दो बंदों का आता है। निकल जा थोड़ा सा दूर भाई, टीममेट बोलता है कि तू निकल सकता है तो निकल जा भाई। कंटेनर पे मैं वेयरहाउस के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले वेयरहाउस पे आ रहा हूँ, इस वाले वेयरहाउस के ऊपर। बंदे कुछ गलती ही वाला कॉन्फिडेंस लेकर रश मार रहे थे, यहाँ पे मैं फॉल बैक कर लेता हूँ। सिमिलर कुछ वैसा ही आपको करना है, अगर आप अर्ली फाइट में कहीं ना कहीं किल नहीं निकाल पाते हो, बाद में आप मर जाते हो, उसके बाद आपको अगर कहीं पे भी लगे कि यहाँ पे आप फाइट को निकाल नहीं सकते हो, या फिर सामने वाले बंदे पे आपको डाउट होना स्टार्ट हो जाए, या फिर डाउट लगे, या फिर बाकी पीछे गाड़ी है वो बगी है ना, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, तो आपको हमेशा फॉल बैक लेने की ट्राई करनी है। यहाँ पे ठीक है, मैं फॉल बैक लेता हूँ, टीममेट को बोलता हूँ बेरास के पीछे आ जा। बंदा डाउटफुल लग रहा था क्योंकि बंदा कुछ गलत ही वाले रोटेशन लेके रश मार रहा था। यहाँ पे टीममेट को बैठाता हूँ और सीधा निकल के आ जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं काफी देर होल्ड करता हूँ, मुझे जोन में नहीं जाना था, ठीक ठाक वाली लूट नहीं थी, टीममेट पे नहीं थी, मेरे पे था ठीक ठाक। यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता हूँ तभी देखो सामने एक साइड रिच पे, मतलब भाई गलत ही वाला बंदे का स्प्रे आया, मतलब बंदे को हमारे बारे में पता है। यहाँ पे बंदे पे हल्का सा डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें जोन में निकलना था, हमारे पास जोन नहीं था, यहाँ पे आता हूँ काफी देर होल्ड करता हूँ, जैसे ही मौका मिलता है बग्गी उठाता हूँ और कवर में लेता हूँ।
और यहाँ पे टीममेट को बोलता हूँ कि भाई हमें निकलना चाहिए, क्योंकि गाइस आपको याद रखना है हमेशा फाइट को अवॉइड करो। अगर आप रोटेशन ले रहे हो, अगर आपको पोजीशन लेके खेलना है तो फाइट को वहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे राइट में भी फाइट हो रही है इधर की साइड, यहाँ पे हमें निकलना था लेफ्ट में, जो बंदे पहाड़ी पे उनसे बचना है। जोन में पोजीशन लेनी है, टीममेट पे ठीक ठाक वाली लूट नहीं थी। इस साइड आता हूँ, जोन में अभी नहीं जाता हूँ क्योंकि एक बग्गी थी यहाँ पे, अगर जोन में बंदे होते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता था बग्गी की वजह से। यहाँ पे थोड़ा वेट करके जैसे जोन करता वैसे निकलता हूँ। यहाँ पे लूट चाहिए थी इसलिए टीम से तो फाइट हमें कहीं ना कहीं लेना जरूरी था। टीममेट को बोला लेफ्ट में कहीं ना कहीं बंदे नहीं है, स्काउट ऑफ बानास जो भी है इसमें बंदे नहीं है, अपने को इस पे रश मार देना चाहिए या फिर बंदे हो तो मारना चाहिए, और बंदे नहीं है तो अपने को पोजीशन मिल जाएगी। ये सोच के हम सीधा आते हैं इधर की साइड और देखो यहाँ पे गाड़ी भी होती है और बंदे भी होते हैं, और यहाँ पे सीन देखो कितने गलत वाले होने वाले हैं। राइट से एकेएम वाला गलत वाला डैमेज दे रहा है। आजा डैमेज हो, चल डैमेज है, चल। अब एक बंदा बालकनी में नोक था जो कि एकेएम वाले ने नोक किया था सिंगल टैप पे, वो मेरी मोली से फिनिश हो जाता। इस बंदे को सीधा गलत वाला फिनिश किया। अब बंदे पे कहीं ना कहीं डाउट होना स्टार्ट हो चुका था जिसने एकेएम से बंदे को नोक किया था और मुझे गलत वाला डैमेज दिया था। यहाँ पे देखता हूँ तभी सामने मुझे पत्थर पे बंदा दिखता है। भाई साहब जो ये बंदे ने मुझे हेड मारा है भाई, डाउटफुल बंदा कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और वही एकेएम वाला मुझे ये बंदा कहीं ना कहीं लगना स्टार्ट हो जाता है। आपको लगा है तो कमेंट में जरूर बताना। जैसे ही रिवाइव लेता हूँ ऊपर बंदा भागते हुए दिखता है, इसको मैंने काफी ज्यादा लिट किया, कुछ बुलेट का मेहमान और था, यहाँ पे बंदा नॉक हो सकता था। इधर देखता हूँ दिखता नहीं है, फटाक से हील मारता हूँ। अब यहाँ पे आसपास काफी ज्यादा गलत फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, और यहाँ पे थोड़ी ही देर में जोन हमसे निकलने भी वाला था। इतना तो मुझे पता चल गया था कि जोन हम पे नहीं आने वाला है नेक्स्ट। यहाँ पे मैं थोड़ी देर देखता हूँ आगे पीछे, और यहाँ पे जोन में निकलना था तो पोजीशन लेना भी हमें कहीं ना कहीं जरूरी था। तो यहाँ पे जैसे जोन कटता है आसपास देख लेता हूँ कि बंदों की फाइट कहाँ कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे नोटिस करके सीधा अपनी गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ पे टीममेट को बोलता हूँ कि अपने को अब निकलना चाहिए। जैसे जोन स्टार्ट होता है वैसे मैं एज के लिए निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे सेंटर नहीं जाना था। यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता अगर मैं सेंटर जाके पोजीशन होल्ड करता हूँ तो, क्योंकि अभी ऑलरेडी बंदे होंगे। यहाँ पे आता हूँ इधर की साइड, देखते जाओ क्या सीन होता है। अब लेफ्ट में कहीं ना कहीं बंदे का डाउट तो लग रहा था कि लेफ्ट में नीचे बंदे जरूर होंगे। अब जैसे इधर मेरा टीममेट आता तभी देखो बंदा ऊपर में, बंदा ऊपर में। मेरा टीममेट नॉक, सामने बंदा। टीममेट पे स्मोक किया, ऊपर में हो, दूर के बाहर हो, और अब देखते जाओ क्या सीन होता है। गाड़ी आ गई, बंदे को सीधा फिनिश किया, तभी दूसरी टीम का रश मतलब गाड़ी पास में आती है। अब यहाँ पे मैं टीममेट को रिवाइव करता हूँ पहले, और यहाँ पे देखते जो क्या सीन होता है। सामने के साइड बीआरएम आके रुक चुकी है, अगर बंदे को हल्की सी भी भनक होती है तो ये बंदा उतर के मार सकता है। अब गाइस अगर आपको जरा भी अभी तक वीडियो या फिर गेम प्ले या फिर टैक्टिक आपके भाई की जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज पुराने चैनल की तरह इस चैनल पे भी सपोर्ट दिखा दो। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मेरे साथ होता है गलत सीन, यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक किया, दूसरा बंदा मुझे टेकडाउन करता है दूसरी टीम का, तीसरी टीम का बंदा मुझे बीआरडीएम से फिनिश कर देता है। यहाँ पे गलत वाले सीन कहीं ना कहीं हो जाता है। बाकी गेम प्ले आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और ऑक्सीजन फैमिली मेंबर जरूर बनते हुए जाना चाहिए, सब्सक्राइब करके ऑक्सीजन आर्मी में जरूर ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑक्सीजन फैमिली।
एंड बाय।